नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पारीक, बिजनेस कंसल्टेंट, और मैं व्यापार के लिए सहयोग करता हूं और मेरी फर्म है डिजिटल उद्योग सेवा। आज मेरे पास एक ग्राहक या कस्टमर आया हुआ था, उसका नाम है केला चंद गुजर। वो मेरे पास एक व्यवसाय के सहयोग के लिए आया है, उसको कंसल्टेंसी लेनी है मेरे से। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में मेरा एक वीडियो भी साझा करूँ, जो मेरे कस्टमर और जो मेरे मिलने वाले हैं वो मुझसे एक वीडियो के द्वारा मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, और वीडियो के द्वारा मेरी कंसल्टेंसी में किस हिसाब से देता हूँ वो भी जानकारी मिल सकती है। मैंने ये मेरा फर्स्ट वीडियो बनाया आज, और मैं आज ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सोशल साइट पर आ रहा हूँ। इसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल पे बेल आइकॉन को भी दबा दें, और मेरे Facebook पे पेज को भी शेयर करें और Instagram को भी शेयर करें। नमस्कार, अभी मेरे पास में कैलाशन जी गुजर आए हुए हैं, जो उनको मैं वो एक व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको एक सहयोग दे रहा हूँ, तो मैं उनको मिला अभी बुला रहा हूँ। आइए कैलाश जी। नमस्कार। सर, मेरे को एक बिजनेस व्यवसाय। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बारे में आप आपको कैलाश जी बोल रहे हैं। कैलाश जी को एक व्यवसाय शुरू करना है, और कैलाश जी उससे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं और थोड़ा संदिग्ध भी हो रहे हैं कि अभी मैं क्या कहूँ। मेरे से मिल रहे हैं तो इनसे थोड़ी बोल नहीं पा रहे। कोई नहीं कैलाश जी, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मनीष कुमार पारी मेरा नाम है। और कैलाश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में क्या जानकारी चाह रहे हो मेरे लिए बताओ, कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। बिजनेस में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं क्या बिजनेस करूँ, किस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं सर आपको बताना चाहूंगा, ये पेपर मैंने इसीलिए रखा है कि आपको मैं ठीक से समझाऊँ। अगर मेरे बोलने में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप समझ सकें। कैलाश जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको अगर नया व्यवसाय करना चाहते हैं, फर्स्ट में तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने कोई भी ट्रेनिंग की हो या किसी के पास कोई व्यवसाय किया हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज हो। अभी तक तो मैंने किसी से किया नहीं सर। तो सर हम ये बताना चाहेंगे, फर्स्ट चीज में अगर आपने कभी भी कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया है और आपके पास में पेपर वर्क के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको एक कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। जाके भी आपके पास में कोई कंसल्टेंट हो, वो अपनी कोई छोटी मोटी जो भी फीस लेगा उसका आपका पूरा सहयोग करेगा, और आपके साथ में डिजिटल उद्योग सेवा की जगह जगह शाखा मिल जाएगी, जो हमारी ब्रांचों की एक शाखा रहेगी, जिसमें आप डिजिटल उद्योग सेवा में जाके आप अपनी सर्विसेज ले सकते हो। वहाँ पे पढ़ा लिखा, हमारे से ट्रेनिंग लिया हुआ, हमारी टीम के द्वारा ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा आपसे मिलेगा, और हर एक इलाके में डिजिटल उद्योग सेवा की शाखा चालू हो रही है। तो कैलाश जी भी उन्हीं कस्टमरों में से हैं जो इन्होंने अभी तक कोई व्यवसाय किया नहीं, जिनके बारे में अच्छा नॉलेज हो। जी सर। तो कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले तो वो व्यवसाय करो जिसमें आपका थोड़ा सा लगाव होगा, कोई ना कोई चीज़ में तो होगा। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में ये आपने सोचा होगा कि मैं ये व्यवसाय करूँ तो मैं कर सकता हूँ। जी सर। मैं सर पहले श्री श्याम कंप्यूटर के नाम से मेरी दुकान थी सर, जी सर, और मैंने करीब 4-5 साल चलाया भी। अच्छा सर, उसकी नॉलेज उसका जाए, लेकिन आपका व्यवसाय चल नहीं पाया। चल नहीं पाया जी सर। अधिकतर व्यवसाय आते हैं और वो चला नहीं पाते हैं, वो 1-2-3 साल के अंदर एक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सहयोगी नहीं होता है, कोई कंसल्टेंट नहीं होता है जो उनको कोई जानकारी दे। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कैलाश जी आपको, कि सबसे पहले तो आपने कभी भी अपने व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन करवाया था या कोई रजिस्टर किया था। मैंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो आपने मेरे पास एक बचत की मीटर मेरे नाम तो आपने व्यवसाय किया होगा, तो सबसे पहले आपको किस चीज की कमी लगी जिसके कारण आपको बंद करना रहा है। पैसे। पैसे। राइट। व्यवसाय के अंदर आपका, मैं लिख लेता हूँ इस पॉइंट को, व्यवसाय के अंदर आपका पैसे नहीं है, आपके पैसे अमाउंट मनी नहीं है। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा आपको इसकी तरफ जो, कि आपके पास में अमाउंट की शॉर्टकट क्यों आई। आपने चालू किया तब तो आपके पास पैसे थे, बाद में आपके पास शॉर्ट आउट हो गया अमाउंट से, तो आपके पास पैसे नहीं रहे। जी सर, यही रही आपकी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको
लोन की भी जरूरत पड़ी होगी। लोन की जरूरत पड़ी थी मेरे को, लेकिन लोन बैंकों ने दिया नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया क्यों? क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं था, जानकारियां नहीं थी, कोई बैंक का केवल नहीं था, इसलिए नहीं मिला। ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगा कि लाल जी, क्योंकि मेरे को ये पहले बताए थे और मेरे को एक बार रफली आइडिया, इन्होंने मेरे से फोन से बात हुई थी तो इन्होंने मेरे को बताया था, तो मैंने इनको बोला कि आप ऑफिस आओ, मैं से संपर्क करो, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जी सर। कैलाश जी, मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे को फोन में भी पूछ रहे थे, मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको व्यवसाय के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जी सर। और रजिस्ट्रेशन करवाने से हमारा एक व्यवसाय का एक नाम भी मिलता है, और एक रजिस्ट्रेशन जो कस्टमर होते हैं, जो रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं, उस पर लोग विश्वास भी करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं उस पर कम विश्वास करते हैं। सबसे पहले तो अपन को रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना चाहिए अपने व्यवसाय का। दूसरा किला जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन भी वो वाला करवाओ जिसमें शुरू में आपको कोई ऐसा ना लगे कि मेरे पास को बहुत सारा बड़ा पेपर वर्क आ गया है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों की होती है यार, मेरे को टैक्स तो नहीं लग जाएगा, मेरे कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा आप सभी को, सभी मित्रों को भी सलाह देना चाहूंगा कि अपना एक एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे उद्योग आधार, बीआरएन नंबर मतलब बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉप एक्ट लाइसेंस, इनमें क्या होता है, उद्योग आधार बीआरएन नंबर लेते हैं, इनमें आपको किसी भी प्रकार का अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है, और यही ले लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले पेपर वर्क के अंदर कंफ्यूज नहीं रहोगे। जी सर। इसमें ये है कि आप ये छोटे वाले लाइसेंस में ना तो कोई ऐसा टैक्स लगेगा, ना आपको कोई मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी, और ना ही आपको कोई ऐसा कोई चालान जमा करवाना रहेगा, आप छोटे व्यवसाय तक कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप 2.5 लाख के नीचे अगर इनकम करते हो तो आपको कोई रिटर्न भी नहीं करनी पड़ती है, 2.5 लाख के ऊपर अगर आप अपना इनकम करते हो सालाना तो आपको 5% टैक्स देना रहता है, 2.5 से 3 लाख के बीच में, 2.5 से 5 लाख के बीच में वो ले लेते हैं, 2.5 से 5 लाख के बीच में करते हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे भाई, आपको अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, 3 लाख पे मिल रहा है कि नहीं, ये सब बताएंगे आपको। मैं बताना चाह रहा था कैलाश जी, रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार, उद्योग आधार में कोई भी आपको शुल्क या आपको कोई भी वो नहीं देना पड़ता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इस रजिस्ट्रेशन से अगर आप बैंक में अकाउंट भी ओपन करा सकते हो करंट अपने व्यवसाय के नाम से, और उसमें आपका अगर अच्छी लेन देन रहती है तो बैंक भी आपको लोन कर देता है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कोई गाइड करने वाला था कि अगर आप इन्वेस्टर करते हो और आपके पास पूंजी नहीं है तो गवर्नमेंट आपको लोन भी दे रही है, जिसमें सब्सिडी भी दे रही है, क्या आपको ये नॉलेज था क्या? ये नॉलेज मेरे को नहीं था। जी जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा हमारे डीजी उद्योग सेवा के पास कंसल्ट, आपको जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज चल रही हो या प्राइवेट स्कीम हो उस सब चीजों की जानकारी देगी, और एक नेटवर्किंग बना रखे हैं, जो भी आपको सहायता देगा वहां से वो बना के आपका सहयोग करेंगे, उसकी कुछ छोटी मोटी वो फीस लेंगे। जी सर। उसमें क्या जैसे पीएमईजीपी स्कीम है, इस पीएमईजीपी स्कीम के अकॉर्डिंग भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है 35% ग्रामीण क्षेत्रों को और 25% शहरी क्षेत्रों को। अगर आप सामान्य वर्ग से हो तो आपको 10% कम देती है, जैसे आप शहरी से हो, जैसे जयपुर में कर रहे हो या सीकर में कर रहे हो या मुंबई में कर रहे हो, ऐसी बड़ी सिटियों में आप कर रहे हो या दिल्ली में कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर यहाँ से 25% अदर कास्ट को देगी और 15% जनरल कास्ट को देगी। जी जी। तो इसमें आपको अगर सब्सिडी मिल जाती है तो आपका व्यवसाय कैसा क्या चल जाता, अच्छा चलता। तो ये सब्सिडी अमाउंट है और इसमें गवर्नमेंट काफी अच्छा सहयोग कर रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का, और धन्यवाद देता हूँ हमारे जो व्यवसाय करने वालों को इतना अच्छा दे रहा है। लेकिन अभी तक हर एक ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी में तो पता नहीं होगा, काफी लोगों को जानकारी है जो पढ़े लिखे हैं, जो डिपार्टमेंटों से जुड़े रहते हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन अभी जन जागरूक नहीं है कि ऐसा भी कोई सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके बारे में लोगों को भी जानकारियां नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी नहीं, अभी बिना रजिस्टर हुए ही अभी टर्नओवर कर रहे हैं 30 लाख 20 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, टीडीएस कट जाता है, किसी का इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, तो इनको जन जागरूक करने के लिए
हमारे क्षेत्र के अंदर कोई सलाहकार नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये भी चाहूंगा कि हर लोगों को ऐसी जानकारियों के बारे में जन जागरूक जरूर करें। तो कैलाश जी, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये सब्सिडी लोन है, इसमें 35% सब्सिडी मिल जाती है आपको, तो आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे भी कम वीडियो में बताते हुए बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ये है कि आप पहले तो सबसे पहले छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराओ, जिसको अपन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। जी सर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारी यही शाखा से हो जाएगा और इसका कोई चार्जेस नहीं होते, कोई छोटे मोटे कंसल्टेंसी चार्जेस ले लेते हैं। जी सर। और इसके अलावा सर, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपका जो भी व्यवसाय होता है, आप बैंक से उसी से लेन देन करो, जिसमें कि आपके एक बैंक वैल्यू भी बने और मार्केट वैल्यू भी बने और एक रजिस्टर वो भी हो जाए। तो इसके लिए आपको एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मोहर बनवानी पड़ती है और 6 महीने का जब आपका लेन देन अच्छा हो जाता है तो बैंक आपको कुछ चला के बोलता है कि आपको अच्छा लेन देन देगा तो आपको लोन देगा। जी सर। अभी आगे आपको कुछ क्वेरी है तो मेरे को बताइए, कोई पीएमईजीपी स्कीम के बारे में या और कोई पीएमईजीपी जो लोन है ना, हां उसके बारे में जानकारी। पीएमईजीपी लोन 35% की सब्सिडी दे रहा है। जी सर। जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें से 35% सब्सिडी मिल जाए, मतलब अगर 1 लाख का किराया जी आप लोन लेते हो तो उसमें आपको 35,000 रुपए सब्सिडी मतलब छूट मिल जाती है, तो उसमें आपको 65,000 रुपए जमा कराने रहते हैं, मतलब 65,000 ही नहीं 65,000 रुपए प्लस उसका इंटरेस्ट जमा कराना रहता है। और जो सब्सिडी अमाउंट होता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें आपको पहले बैंक में जाके कंसल्ट करना रहता है। आप बैंक को ये पूछ सकते हो जाके, सर मैं एक नया व्यवसाय करना चाहता हूँ और मेरे को गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे रही है तो मैं मेरा ये व्यवसाय लगाना चाहता हूँ, आप उससे कंसल्ट कर लो। उसके बाद में आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ या बनवा लो, उसके बाद में आप उसको लॉगिन करवाओ। लॉगिन करवाने के बाद में आपकी बैंक में फाइल आ जाती है। लॉगिन कराने के बाद में डिपार्टमेंट बैठते हैं, डीआईसी डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो शहरी के लिए, और केवीआईसी है वो एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। वो डिस्कस करके आपकी जो आपका प्रोजेक्ट होता है उस पर सोच समझ कर और आपको उसके लिए ऋण के लिए एक सब्सिडी देती है, और सब्सिडी आपके बैंक में आ जाती है वो 3rd दिन ही आपकी सब्सिडी आ जाती है। और आप जैसे व्यवसाय करते हो, जैसे जैसे आप उस व्यवसाय को बढ़ाते हो तो आपको गवर्नमेंट आगे भी बहुत सारे सहयोग देती है। इसके लिए आप कंसल्टेंट से जुड़े रहे तो आपको हर बार एक सहयोग करेगा। मैं कंसल्टेंट से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ सर कि आप व्यवसाय के अंदर बिजी रहोगे तो आपको तो पता नहीं है किस टाइम पे हमको रिटर्न भरनी है, किस टाइम पे हमारे क्या करना है, किस टाइम पे हमारे क्या करना है, लोन की सब्सिडी कब लेनी है, क्या लेनी है। तो आपका सहयोग करेगा, उसकी जो आपकी मंथली फीस होगी जैसे भी उसको आपके बीच में डिस्कस लेगा वो फीस लेगा आपसे। जी सर। तो सर मैं यही बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, और लोन ये जो पीएमईजीपी लोन है नए व्यवसाय के लिए, नया व्यवसाय सेटअप करने के लिए मिलता है। एडजस्टिंग बिजनेस के लिए मतलब पुराने बिजनेस के लिए ये लोन नहीं मिलता है, ये सब्सिडी नहीं मिलती है, नए व्यापारों के लिए ये लोन है। और मैं कैलाश जी ये बताना चाहूंगा, अपनी जो डिजिटल उद्योग सेवा है उसके अंदर काफी सारी सर्विसेज है और उस सर्विसेज के अंदर आपको ये स्कीम में फायदा मिलेगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो एमएसएमई के अंदर जो स्कीम में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको वो काफी सारे प्रॉफिट रहेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम ही देगी। इसमें अपने पास काफी सारी स्कीम है और मैं बताना चाहूंगा यहाँ के कि हमारे पास में काफी सारी सर्विसेज है जो मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा। मेरा एक विजिटिंग कार्ड है कैलाश जी, और आप विजिटिंग कार्ड लो और आपके मिलने वाले और जो भी हो जो हमारे सेंटर पे भेजो या मेरे पास में भेजो, ये हमारे काफी सारी स्कीम है। ये सारी सर्विस अवेलेबल है जो कैलाश जी खुद अपने मुंह से बताना चाहेंगे। जी कैलाश जी बताइए। जीएसटी इनेबल, कंपनी रजिस्ट्रेशन आईटीआर टीडीएस रिटर्न। जी सर। बैलेंस शीट, उद्योग आधार, डीआरएन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑल टाइप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट लोन स्कीम। जी कैलाश जी बिल्कुल आपने सही बात है। और ऑल टाइप बिजनेस एडवाइजर, शॉप एक्ट, पेंशन रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डील और पैन कार्ड,
जी सर, ये आपके पास सारी सुविधाएं हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास ये हमारे पास भी है और हमारे जहाँ पे भी ये सेंटर है वहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा कि अपनी एक वेबसाइट है www.digitaludyogseva, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो हमारे फर्म को और हमारी सर्विसेज जान सकते हो कि हमारे पास क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9602715427, यहाँ पे भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर हमारे मेल आईडी है info@digitaludyogseva.com, यहाँ पे भी जाके आप हमारी जानकारियाँ भेज सकते हैं। आपको कुछ गलत लगा हो उसके लिए सॉरी, और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी एक हमारे लोकल हैं और ग्रामीण एरियों से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे से जुड़े हो, थैंक यू। ये विजिटिंग कार्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं।